हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ अभिलाषी शर्मा, आपकी ही जानकारी हित एक नया वीडियो। जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बच्चों को अगर क्लियर हो जाए एक बार स्टूडेंट्स को, आगे जाकर वो उनको प्रॉब्लम नहीं करते। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है कंज्यूमर, उपभोक्ता क्या है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उपभोक्ता किसको कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। फिर उसके बाद बड़ा डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा यूटिलिटी पर, जिसे तुष्टि गुण कहते हैं, किसी वस्तु के अंदर छुपी हुई उपयोगिता, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज कंटेंट हियर ऑन दिस वीडियो। यस स्टूडेंट, द फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? मैं भी कंज्यूमर हूं, आप भी कंज्यूमर हो, उपभोक्ता, क्योंकि हम सभी उपभोग करते हैं वस्तुओं का, वस्तु के अंदर छुपे हुए गुणों का। आप पेन यूज कर रहे हो, नोटबुक यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज भी कर रहे हो आप इस टाइम, तो ये सब के सब हम उपभोक्ता हैं। मैं नोटबुक यूज करता हूं घर में, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, ये सब कुछ चाहिए हमें। तो ये सबके सबकी, इन सभी वस्तुओं के, सेवाओं के हम क्या हो गए? कंज्यूमर। आप भी नेट यूज कर रहे हो, दैट इज अ सर्विस। मैं भी यूज करता हूं, तो हम सर्विस के भी, सेवाओं के भी क्या हो गए? उपभोक्ता। तो ये बात ध्यान रखना, साधारण भाषा में उपभोक्ता का मतलब कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं के अंदर छुपे हुए गुणों का उपयोग करता है। बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा समझिए इस बात को। कंज्यूमर इज अ इकोनॉमिक एजेंट। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज अ इकोनॉमिक एजेंट हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज टू यूज देम टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। क्लियर हो गया ना? कंज्यूमर वो एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम करता है परचेज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जर्नली एक बात ध्यान रखें, कंज्यूमर को हम जर्नली इंडिविजुअल मानना शुरू कर देते हैं, कोई एक व्यक्ति पर। ध्यान रखें, यह व्यक्ति का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल्ड है। व्यक्ति में व्यक्ति भी शामिल है, व्यक्तियों का ग्रुप भी शामिल है, कोई हाउस होल्ड भी शामिल है, कोई इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, क्योंकि संस्थाओं में भी तो वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम किया जाता है। सो कंज्यूमर वो व्यक्ति, वो संस्थाएं हो गए जो वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम क्या करना होता है? उनके अंदर छुपी हुई जो गुण है उनका प्रयोग करना, उनका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम कंज्यूमर कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक बात मेन ध्यान रखने वाली बात है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जब हम कंज्यूमर की बात कर चुके हैं, तो वो है यस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। एक उपभोक्ता का संतुलन मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच कंज्यूमर इंजॉयज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ध्यान से, इट रेफर्स टू सच अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इंजॉयज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल हिज अनलिमिटेड वांट्स। अपनी असीमित आवश्यकताओं में से, असीमित वांट्स में से, अपने सीमित साधनों के साथ सारे साधन खर्च करके जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है, उस स्थिति को हम, उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर के संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो हम कहेंगे कंज्यूमर संतुलित स्थिति में, नाउ ही इज फुली सेटिस्फाइड। हमारे पास कुछ पैसे थे, हमने खर्च करने थे, किन किन वस्तुओं पे खर्च किए, खर्च करने के बाद हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, कोई किसी तरह का मन में पश्चाताप नहीं हुआ कि ये पैसे ऐसे नहीं ऐसे खर्च करने थे, वी फील टोटली सेटिस्फाइड, देन एज ए कंज्यूमर वी आर एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सच अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर डोंट वांट एनी चेंज। जब वो अपने सीमित साधनों को खर्च कर देता है, वो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहता कंज्यूमर। ये बात हमेशा ध्यान रखना जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, उपभोक्ता संतुलन। क्लियर होगी ये बात? द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द यूटिलिटी। तुष्टि गुण क्या है? हिंदी पंजाबी में तुष्टि गुण कह देते हैं। यूटिलिटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज,
ध्यान से, द क्वालिटी ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो क्वालिटी जो ह्यूमन वांट्स को संतुष्ट करने की जिसमें दम है, दैट वन इज नॉन एज यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, उसको उस वस्तु या सेवा की यूटिलिटी कहते हैं, तुष्टिगुण। तुष्टिगुण किसी वस्तु में या सर्विस में छिपा हुआ वो गुण है, वो क्वालिटी है जिससे उस वस्तु को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये ध्यान रखना, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई अ वांट, हर इंसान की कुछ वांट्स हैं उनको संतुष्ट करने की एबिलिटी, जिस गुड्स एंड सर्विस में वो जो क्वालिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें वो गुण है, उस गुण को हम उस वस्तु की यूटिलिटी या तुष्टिगुण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पेन की जरूरत थी, पेन परचेज किया, क्यों किया, क्योंकि हमने लिखना था, हमने उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम कैसे किया, लिखा उसके साथ, पेन का यूज हो गया, तो पेन का तुष्टिगुण क्या है, उसके लिखने की वो क्वालिटी। भोजन के अंदर क्वालिटी क्या है, वो हमारी भूख को शांत करती है, हमें बहुत सी एनर्जी देती है, बहुत कुछ मिलता है भोजन से। कपड़े हमारे तन को ढकते हैं, ये उनका तुष्टिगुण है। किसी भी वस्तु, अब एक आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए, उससे कुछ सेवाएं ली, अपने अकाउंट वगैरह बनवाए, बैलेंस शीट बनवाई, उस पर स्टैंप लगाई, उसने साइन कर दिए, तो ये उसकी सर्विस है, उसके अंदर छुपा हुआ उसका गुण जो हमें मिली, जिसने हमारी उस जरूरत को पूरा किया, दैट वन इज नॉन एज यूटिलिटी। फिर बात होगी, फिर यूटिलिटी को हम कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, ये थोड़ा सा पहलू ध्यान से सोचना। तो यूटिलिटी के बारे में जनरली यूटिलिटी को जो उसके गुणात्मक पहलू थे उसके आधार पर मापा जाता था कि ज्यादा यूटिलिटी मिली तो उसकी गुण कम था, बहुत कम था, बहुत बुरा था, बहुत अच्छा था, वस्तु कैसी थी, अच्छी थी, संतुष्ट हुए, नहीं हुए, बहुत आनंद आया। बट इन इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स लाइक ड्यूपिट, गॉसन एंड वॉलरस लाइक इकोनॉमिक्स एंड मेनी अदर इकोनॉमिक्स लाइक मार्शल एंड देन फिशर्स गिव्स अ न्यू कॉन्सेप्ट टू मेजर द यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को क्वालिटी में मत मापो भी, इसको क्यों ना नंबरों में मापा जाए, जिसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। जब यूटिलिटी का विश्लेषण हम अंकों में करें, 1, 2, 3, कि हमें किसी वस्तु का यूज करने के बाद एक यूटिलिटी मिली, 2 मिली या 10 मिली यूटिलिटी, फिर जैसे किसी वस्तु का वेट मापने के एक मेजरमेंट होता है, किलोग्राम है, क्विंटल है, या फिर हम किसी का लंबाई मापनी है तो मीटर्स में, इंच में, फीट में, ऐसे मापते हैं। सिमिलरली यूटिलिटी की जो यूनिट है, उसको मापने की जो इकाई इकोनॉमिक्स ने दी, दैट इज यूटिल। ध्यान रखना, यूटिल, यूटिल एक पैमाना है, एक मेजरमेंट है टू मेजर द यूटिलिटी। कार्डिनल एनालिसिस जिन इकोनॉमिक्स ने दिया, उन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स में वस्तुओं से मिलने वाला तुष्टिगुण है, उसको भी हम संख्याओं में माप सकते हैं, एंड दैट मेजरमेंट वे इज द यूटिल। यूटिल में मापेंगे, एक यूटिल यूटिलिटी मिली, 2 यूटिल यूटिलिटी मिली, इस ढंग से। इस बात को जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम कह रहे हैं कि वस्तु के अंदर छुपे हुए गुण जो इंसान को मिले, उन गुणों को क्वालिटी वाइज नहीं, संख्यात्मक आधार पर कैसे माप सकते हैं। तो अगला पहलू जो आज की वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत से इसको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कह देते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। किसी वस्तु से, सेवा से मिलने वाली यूटिलिटी है, उससे रिलेटेड बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है, उनको पहचानना बड़ा जरूरी है जब हम वस्तु को कंज्यूम करते हैं, उसकी डिफरेंट स्टेजेस पे आने वाले कॉन्सेप्ट्स। वन इज द इनिशियल यूटिलिटी, प्रारंभिक तुष्टिगुण। प्रारंभिक मींस क्या था, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज इज नॉन एज इनिशियल यूटिलिटी। प्रारंभिक तुष्टिगुण किसी वस्तुओं में से जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जब उसकी फर्स्ट इकाई को यूज किया, देन वी गोट यूटिलिटी फ्रॉम दैट फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, दिस वन इज नॉन एज इनिशियल यूटिलिटी। उसको हम उसकी प्रारंभिक तुष्टिगुण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने आइसक्रीम खाई तो हमें 12 यूटिलिटी मिली, हमने माप लिया कि 12 मिली, मान लो हमें मिली, ठीक, तो हम वो जो 12 है
क्योंकि पहली आइसक्रीम यूज की तो हमें जो 12 यूटिलिटी मिली दैट वन इज नॉन एज इनिशियल यूटिलिटी, प्रारंभिक तुष्टि गुण, क्लियर। सेकेंड वन इज द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एज ए गुड्स और सर्विसेज विच इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। उस वस्तु या सेवा की सारी इकाइयों का प्रयोग करके जो उसको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है उसके जोड़ को, एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, उसके योग को क्या कहते हैं हम, टोटल यूटिलिटी। मान लो हमने दो आइसक्रीम यूज की, एक से हमें 10 यूटिल यूटिलिटी मिली, दूसरी से 9 मिली, तो टोटल कितनी होगी, 19। मान लो हमने एक आइसक्रीम और खानी शुरू कर दी तो उससे हमें 7 मिली, 19 पहले थी टोटल 7 उसमें और ऐड कर दो तो कितनी बनगी, 26 यूटिल यूटिलिटी। जितनी जितनी हम किसी वस्तु की जिसको हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, एज ए कंज्यूमर उस वस्तुओं का यूज करते चले जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी उन सभी वस्तुओं से मिलने वाली यूटिलिटी का एग्रीगेट है, जोड़ है उसका, क्लियर आई थिंक। यस स्टूडेंट्स, द थर्ड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज द मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सीमांत तुष्टिगुण। सीमांत तुष्टिगुण क्या है, पंजाबी में भी इसको भी सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी और सीमांत तुष्टिगुण क्या है, इसको जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग में टोटल यूटिलिटी और इनिशियल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। किसी वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई का कंजम्पशन करने के बाद, उपभोग करने के बाद टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है, उस चेंज को, उस परिवर्तन को हम कहते हैं सीमांत तुष्टिगुण। ध्यान से मेरी बात समझो, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। भाव किसी एक खास निश्चित समय पर जब हम किसी वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग करें, एक और वस्तु को कंज्यूम कर लें, तो टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, दैट चेंज इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम की बात की थी हमने, मान लो हमें एक आइसक्रीम कंज्यूम की, जैसे मैंने यहां पे दिखाया इस टेबल में, मान लो हमने एक आइसक्रीम यूज की, हमें 10 यूटिल यूटिलिटी मिली, उसमें से 10 यूटिल उपयोगिता उसका तुष्टिगुण प्राप्त हुआ, दैट इज इनिशियल यूटिलिटी। हमने एक दूसरी आइसक्रीम और कंज्यूम की, हमारी टोटल यूटिलिटी 10 से बढ़कर 19 होगी, That is total utility। हमने तीसरी आइसक्रीम भी यूज कर ली, मान लो हमारी टोटल यूटिलिटी 19 से बढ़कर तीनों वस्तुओं का यूज करने के बाद 26 होगी, तो चेंज कितना आया। जब हमने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की, देखो ध्यान से इस टेबल को, तो हमें 19 यूटिल यूटिलिटी मिली थी, और जब हमने थर्ड आइसक्रीम खानी शुरू की, खा ली उसको, तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 26 होगी, चेंज कितना हुआ, 26 में से 19 माइनस किए तो 7, 7 इज द मार्जिनल यूटिलिटी। यही है सीमांत तुष्टिगुण, किसी वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई यूज करने के साथ उसकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसको फॉर्मूला देखो ध्यान से, मैंने एक यहां का फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth, nth मींस पहली वस्तु, दूसरी, पांचवी, जितनी भी वस्तु, जिस वस्तु की भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ n मतलब जिसकी निकाल रहे हैं वहां तक की टोटल यूटिलिटी, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन, उससे पहले की वस्तु तक टोटल यूटिलिटी कितनी थी उसको माइनस कर दो। जैसे इस टेबल में देखो, इस टेबल में जो थर्ड आइटम है वहां तक टोटल यूटिलिटी है 26, मान लो हमने फोर्थ आइसक्रीम भी कंज्यूम कर दी, तो फोर्थ आइसक्रीम की टोटल यूटिलिटी जब चार आइसक्रीम हमने कंज्यूम कर ली, टोटल यूटिलिटी जो बनी चारों की वो बनी 31, चेंज कितना हुआ, 26 से 31, 5 इज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो कि फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा, एम मान लो हमने फोर्थ की मार्जिनलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ की टोटल यूटिलिटी है उसमें से थर्ड की टोटल यूटिलिटी माइनस कर देंगे, तभी तो जब हम MU4 लिखा है फिर माइनस किया हमने
TU4 लिखा है, MU4 निकालना है हमने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ, तो हमने क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ में से टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस कर देंगे, जैसे यहां पर किया 31 में से 26 माइनस, वी गॉट 5। क्लियर? एक बार ध्यान रखो, जो किसी वस्तु से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी, मिलने वाला जो जिसे हम कहते हैं सीमांत दृष्टिकोण है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी, वो तो स्वाभाविक है, कंज्यूमर का बिहेवियर है ये। कंज्यूमर को कई बार वस्तु बहुत पसंद आती है, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी हमारी, पॉजिटिव रहेगी, हमें वो वस्तु कुछ भी नहीं लगी। जैसे हमने पांचवीं वस्तु कंज्यूम की, तब भी हमें, जैसे इसी पिछले टेबल में मैंने बताया था, चार हमने आइसक्रीम खाई, जब चौथी आइसक्रीम खाई तो हमें 31 टोटल यूटिलिटी मिली। हमने पांचवीं भी खा ली, भी मित्र आगे थे वहां पर, फ्रेंड्स के साथ पांचवीं आइसक्रीम भी कंज्यूम खाई कि, बट टोटल यूटिलिटी 31 ही रही, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो उसको हम कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, जीरो। मान लो इतने में एक मित्र और आ गया, हमें एक आइसक्रीम और खानी पड़ गई, और हमारी तबीयत तो अच्छी भली होने की जगह पर क्या हो गए, हम बीमार हो गए, हमें उस आइसक्रीम का फायदा की जगह शरीर में नुकसान ज्यादा लगने लगा, तो टोटल यूटिलिटी 31 से कम होके हमें लगी भी कम होगी, 28 मान लो 28 होगी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कम होगी। जब भी टोटल यूटिलिटी एक खास लेवल पर जाकर कम होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ये ध्यान रखना भी। जो सो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द, क्लियरली रिलेटेड विद द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर टेस्ट, उसका स्वभाव क्या है उस पर डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, थोड़ा आसान भी था, अगर इसको ध्यान से समझ कर चलेंगे, इसके बाद बहुत जल्द मैं इसी से रिलेटेड नया वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा। आज का जो हमने किया वो क्या था, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, जो वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम करता है, उनके छिपे हुए गुणों का प्रयोग करता है, वो कंज्यूमर है, डिटेल में बताया। फिर बात की हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति है जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा है, एंड ही और शी डोंट वांट टू हैव वांट एनी चेंज इन दैट लेवल, वो मैक्सिमम संतुष्ट है उस संतुलन, उस इस लेवल पे है, वो उस लेवल से चेंज ही नहीं करना चाहता अपने साधनों को खर्च करने के बाद, क्योंकि वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर हमने यूटिलिटी की बात की, यूटिलिटी किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपे हुए वो गुण है जिसका कंज्यूमर यूज करता है उन गुणों का, समझ आया ये बात। फिर हमने टाइप ऑफ यूटिलिटी की बात कर दी, वो मैंने अभी बताया, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं वहां पर भी आपको जवाब दूंगा। बहुत जल्द एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।